आपको सिर्फ सफेद रंग में मिलेगी, क्योंकि कलरफुल खीर मोहन पर प्रशासन ने रोक लगा दिया। मथुरा के महावन की चर्चित मिठाई खीर मोहन पर प्रतिबंध लगा है। आप सोच रहे होंगे पूर्ण प्रतिबंध नहीं, सिर्फ रंगीन खीर मोहन पर प्रतिबंध लगा है और आपको खाने के लिए रंगीन खीर मोहन नहीं मिलेगा। यानी खीर मोहन अगर आपको खाना है तो सिर्फ सफेद रंग में ही खीर मोहन मिल पाएगा। खाद्य एवं सुरक्षा औषधि विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। मानव स्वास्थ्य के लिए बताया गया है हानिकारक। प्रयोगशाला में सैंपल की चौंकाने वाली रिपोर्ट के बाद फैसला लिया गया है। संपूर्ण जनपद में नहीं मिलेंगे रंगीन खीर मोहन। बीते समय विभागीय टीम ने महावन से लिए थे खीर मोहन के सैंपल। सैंपल की रिपोर्ट में रंगीन खीर मोहन को मानव स्वास्थ्य के प्रति बताया गया हानिकारक। रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा ने प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। सर, जिस तरह से कल महावन में खीर मोहन में जो कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? महावन तहसील में एक खीर मोहन एक वहाँ विशेष प्रकार की मिठाई है, काफ़ी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो पिछले माह वहाँ पर इन्फोर्समेंट कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के दौरान वहाँ कई सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसकी जाँच रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है तो वो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि उसमें जो सिंथेटिक कलर पाया गया है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, मतलब मानव उपभोग के लिए हार्मफुल है। सर, दुकानदारों का कहना है कि उन्हें एक क्राइटेरिया बता दिया जाए, मापदंड बता दिया जाए कि वो उसी तरह से बनाए। नहीं, क्राइटेरिया तो कई बार उन लोगों को समझाया गया, मेरे द्वारा भी समझाया गया है, जो वहाँ की यूनिटें हैं डोर टू डोर जाके, कि आप जो कलर लगा रहे हैं पहले तो फूड कलर कैटेगरी का होना चाहिए, दूसरा बहुत कम मात्रा में डालें। परंतु बार बार समझाने के बाद भी उनके द्वारा कोई उसमें सुधार नहीं किया गया, और इसलिए जनहित को देखते हुए विभाग द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया है। अगर वो सुधार कर ले रहे हैं उसमें, फूड कलर का इस्तेमाल करें, बहुत कम मात्रा में करें, ऐसा कोई कलर यूज ना करें जो सिंथेटिक हो और हार्मफुल हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो सुधार कर लेंगे उनको परमिशन दे दी, सही तरीके से अगर वो यूज़ करते हैं तो चला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बैन के आगे नहीं होगा, अगर वो उसमें सुधार कर लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह का वो कलर लगा के मार्केट में वो जो सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि जो कलर हैं वो सारे के सारे कार्सिनोजेनिक और कैंसर कारक हैं। जब उनका डिपोजिशन बॉडी में बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके, तो लास्ट में मतलब बहुत वैसी डिसीजन से क्रोनिकल डिसीजन होती हैं, वो डेवलप होने के चांस बढ़ जाएंगे। सर, इसके अलावा और भी कहीं सैंपलिंग कार्रवाई की जा रही है? इसके अलावा भी जैसे अभी NH2 कोसीकला में पनीर प्लांट था, वहाँ पर भी कार्रवाई की थी, अवैध रूप से चल रहा था, तो वहाँ 4 सैंपल हमने दूध पनीर और रिफाइन और केमिकल था उसको जांच के लिए भेजा है, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। फिलहाल उस प्लांट को बंद करा दिया गया क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। मुड़िया पूर्णिमा को लेकर टीम हमने बना दी है और रेगुलर चेकिंग हो रही है वहाँ पर, कई बार सैंपलिंग भी हुई है वहाँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह एक्सपायरी डेट या जो लस्सी वगैरह आदि वहाँ ज़्यादा पेड़ा को लेकर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी मिलावट ना हो पाए।